इंडस लाइन क्लब हैदराबाद और अंसार चैरिटेबल अस्पताल के मुश्तरका तावन से एक रोजा मुफ्त आंखों के कैंप का इनेकाद अंसार चैरिटेबल अस्पताल ऋषि घाट हैदराबाद में किया गया। कैंप में मुस्तहक और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने अपनी आंखों का चेकअप करवाया, जबकि आने वाले मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी दी गई और कुछ मरीजों को ऑपरेशन के लिए भी रेफर किया गया। इंडस लाइन्स क्लब हैदराबाद के इम्तियाज खान का कहना था कि हम मरीजों का मुफ्त आंखों के मुआयने के साथ मुफ्त अद्वियात और मुफ्त ऑपरेशन की सहूलत भी मुहैया कर रहे हैं ताकि मरीज इस महंगाई के दौर में खर्च से बच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम इम्तियाज अहमद खान है, मेरा ताल्लुक इंडस लाइन्स क्लब से। इंडस लाइन्स क्लब ने आज अभी हमारा जो सालाना 41वां कैंप आयशा पार्क में लगेगा उसके लिए गली डोर टू डोर जाकर गलियों में गली महल्ले में जो गरीब मरीज अब कैंपों तक नहीं पहुंच सकते उनके लिए ऑपरेशन की चॉइस करें। इसकी चॉइस का आज हमने अंसार चैरिटेबल हॉस्पिटल में हमने इत्माम किया है और जहाँ पर हम मरीजों की ओपीडी कर रहे हैं और मुआयना कर रहे हैं। यहाँ से जो मरीज़ ऑपरेशन के लिए निकलेगा उनको हम जो है 22 तारीख को आयशा पार्क 22 जनवरी को आयशा पार्क में हम बुलाकर वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट फेको सर्जरी बगैर टाँकों वाला ऑपरेशन वह करेंगे। अब भाई इंडस लाइन्स क्लब का इस साल ये मैटर रहा है कि हमने मुख्तलिफ इलाकों में जाकर हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ तक के दही इलाकों में भी हमने टंडो हैदर गए, जैन मोरी गए और आलीपोटो गांव गए, 2-3 हैदराबाद से बाहर भी हम गए, वहाँ जाकर हमने ओपीडी की और मरीजों को चॉइस किया और उनको जो है ना मुख्तलिफ डेट वो 21, 22, 23 हमारी जो डेट है आयशा पार्क की वहाँ पर उनको बुलाया ऑपरेशन के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को ऑपरेशन का सहूलत मैसर कर सकें। आँखों के माहिर डॉक्टर ने धूम न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि मेरा नाम डॉक्टर जफर राजपूत है और हम यहाँ कैंप करने आए हैं अंसार चैरिटेबल हॉस्पिटल में इंडस लाइन्स क्लब के तआवुन से। तो अब रिगार्डिंग योर क्वेश्चन, तो उसे महफूज रखने का तरीका तो ऐसा है, सच कुछ भी नहीं है, जो हमारी एक नॉर्मली हिफाजत होती है जिस तरह के हम मुंह धोते हैं नॉर्मल पानी से, वो बोरिंग का पानी नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह हमें बार बार आँखों को भी ठंडे पानी से साफ़ रखना चाहिए बार बार। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो फौरन अपने तबीब से या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। करते हैं जो मेडिकल रूप से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, क्योंकि आई बहुत सेंसिटिव चीज़ है, हमेशा डॉक्टर को दिखाने के बाद, चेक कराने के बाद, उससे कंसल्ट करने के बाद उसकी एडवाइस के मुताबिक आई की मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। जबकि अस्पताल कमेटी के मेम्बरान ने धूम न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि देखिए हम इस पहले अब्दुल अजीज अंसारी चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी अंसार वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद, हम इस तरह के कैंप चूँकि हमारा हॉस्पिटल भी काम कर रहा है और ये भी वेलफेयर की बुनियाद पर कर रहा है, इसलिए हमने लाइन्स क्लब के तआवुन से ये कैंप मुनक़िद किया है। इस कैंप में हमारा जो बुनियादी मकसद है वो ये है और लाइन्स क्लब के भी जो मेम्बरान हैं उनका भी मकसद ये है कि यहाँ से जो लोग अप्रोच नहीं कर सकते हैं लाइन्स क्लब को, वो लोग यहाँ से अप्रोच करें और हम यहाँ से वो लोग जो गरीब हैं और ऑपरेट उनके मतलब मोतिया का ऑपरेशन ज़रूरी है तो हम यहाँ से लिस्ट भी बना लेंगे और लिस्ट बनाने के बाद 3 या 4 उसके बाद उनको टाइम देंगे तो इनके ऑपरेशन हो रहे हैं तो हम इनको वहाँ ले जाकर इनका ऑपरेशन 23 तारीख को इनके ऑपरेशन कराएंगे, बुनियादी मकसद हमारा ये। नाम मेरा एजाज अहमद अंसारी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ, यहाँ अंसार हॉस्पिटल का चार्ज मेरे पास है इस वक्त। तो इसी हवाले से जो है अंसार बिरादरी के गरीब अवाम के लिए जो है ये कैंप जो है लाइन्स क्लब के तआवुन से मुनक़िद किया गया है। इसमें अभी तक तकरीबन जो है 150 के करीब पेशेंट आ चुके हैं और तकरीबन ये प्रोसेस चलता रहेगा। कैंप की चेयरमैन लाइन नाहिद अंसारी का कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम लाइन नाहिद अंसारी है और मेरा ताल्लुक इंडस लाइन्स क्लब से है। यहाँ एक तरह से मेरे नाम से भी अंदाज़ा होगा कि नाहिद अंसारी, तो ये हमारा कम्युनिटी हॉस्पिटल है जहाँ पर मेरी ख्वाहिश पे इम्तियाज़ साहब ने इस कैंप का अरेंज किया है और लाइन्स क्लब ने मुझे फ्री हैंड दिया लगाने के लिए। यहाँ पर बस अपने लोग आ रहे हैं, दरअसल इस तरफ आबादी बहुत गरीब है और पेशेंट भी काफ़ी होते हैं, तो मेरी ख्वाहिश थी कि हमारे अपने लोगों में मैं कुछ काम कर सकूं, क्योंकि मेरा एक शौक़ है सोशल वर्कर का, तो उस तहत मैं ये थोड़ा सा काम करती हूं इन लोगों के साथ मिलके, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। जी नाज़रीन, यहाँ पर मौजूद हैं जो है अंसार फिर हॉस्पिटल में जहाँ पर इंडस लाइन्स क्लब और जो है अंसार हॉस्पिटल के तआवुन से यहाँ पर जो आँखों का कैंप लगाया गया है जिसमें ना सिर्फ जो हैदराबाद के जो शहरी हैं और इलाका मकीन हैं उनके लिए मुफ्त जो है वो ऑपरेशन की फैसिलिटी भी यहाँ पे रखी गई है, उनको मुफ्त अद्वियात भी दी जा रही हैं और यही जो है ना सिर्फ मुफ्त अद्वियात बल्कि उनका ऑपरेट भी जो है ना वो इंडस लाइन्स क्लब और अंसार हॉस्पिटल के तआवुन से जो उनका करवाया जाएगा।
कैमरामैन उमर अहद के साथ इमरान शलक्यारी, धूम न्यूज़ 24/7 हैदराबाद।